अनिल जी, संजय जी मेरे साथ हैं। मित्रों, आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति का दूसरी दिवस है। कल उद्घाटन के उपरांत राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुई थी। आज पहला सत्र में सामाजिक आर्थिक संकल्प पत्र अभी पारित हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा रखी गई इस प्रस्ताव को दक्षिण के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय व्यापार तथा विदेश विभाग की राज्य मंत्री आदरणीय वी मुरलीधरन जी और हरियाणा के पार्टी के लोकसभा के सदस्य आदरणीय बहन सुनीता दुगल जी ने समर्थन किया। सदन उस प्रस्ताव को पारित कर रहा है। मित्रों, मैं अगर इस प्रस्ताव के कुछ मुख्य अंश आपके सामने रखूं, पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ सबका विकास की दायित्व लेगा, वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था, एक फिलोसफी था। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है, एम्पावरमेंट की ओर बढ़ी है। एंटाइटलमेंट से एम्पावरमेंट की एक सफल प्रवास मोदी जी की कुशल नीति, विचार स्पष्टता और सटीक क्रियान्वयन के कारण विश्व की इस कठिन परिस्थिति में भी, मित्रों, देश की केवल समस्या नहीं रहा, दुनिया की सभी देशों ने कोविड से ग्रसित हुआ। आज हम अगर थोड़ा पलट के दिखते हैं, कोविड की सफल प्रबंधन की कई आयाम आज सामने आता है, जिसमें उल्लेख करने लायक विषय है स्वदेशी टीका। आज देश की 219 करोड़ लोगों को लग चुकी है, 30 करोड़ टीका हमने बाहर भी भेजा है। ये अपने आप में भारत को सशक्तिकरण करना, एम्पावर करना, आत्मनिर्भर करना सरकार की नीति का वो दिन हम लोग ना भूले। कोरोना की शुरुआत के दिनों में प्रधानमंत्री स्वयं, जिसको कहते हैं हेड ऑन किया था, टीका बनाने के बारे में भी देश की वैज्ञानिकों को मिला, उनसे समझा, उनको दिशा दर्शन दिया और टीका बनी, टीका लगी और भारत आज सुरक्षित है। मित्रों, विश्व की आर्थिक स्थिति कैसे था जब हमें दायित्व मिला? हम फ्रैजाइल 5 की अंदर गिने जाते थे। 2014 में भारत 10वीं स्थान में अर्थव्यवस्था में दुनिया के अंदर खड़ी थी। आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अंग्रेजों से गुलामी की हमारी मुक्ति से 75 साल पूरा कर रहे हैं, उस समय में हमने
यूके को पीछे छोड़ के फिफ्थ पोजीशन पे आए। यह अपने आर्थिक नीति की एक बहुत बड़ी सफलता की स्टेटमेंट है।